हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल और टेस्टी रेसिपी। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, दूध, आटा, घी और पिसा हुआ इलायची पाउडर। आटा जो हम घर पे रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें आटा डालेंगे, पिसी हुई चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, इसमें दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करेंगे। आप दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं। इस तरह से एक घोल तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा घोल पूरी तरीके से रेडी है। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। उसे चारों तरफ फैला लेंगे इस तरीके से उठाकर। हमने जो घोल बनाया है उसे इस पैन में डालेंगे। धीरे धीरे से इस तरीके से फैलाएंगे। ये ऊपर से इस तरीके से कुछ सिकने लगे, इसे धीरे धीरे साइड से इसे हटाएंगे और पलट देंगे। इसे फिर से पलटेंगे, देखेंगे दूसरी साइड से हमारा चीला सिक गया है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी साइड से भी सिक चुका है अच्छे से। देखिए हमारा चीला अच्छे से सिक चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह अब धीरे धीरे बाकी चीले भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीला अच्छे से सिक चुका है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चीले पूरी तरीके से रेडी हो गए। अब आप इसे अचार, सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं।